倒数计时三二一，唱首歌送你哆来咪。青春是我的加速器，再加上你就更无敌。我全副武装迎接你，神功护体，请别担心。如果你发现我心中的秘密，是意外或惊喜，微笑填满全集。试探我们距离，因为遇见你烦恼被治愈，告白回应都很默契。当靠近你靠近你，贴着你贴着你，一加一等于一，我要一张魔力，那你的名字在我心里会马上有力气。哦，我和你我和你，像苹果和幸运里，让祝福里亲吻大地。心有一些问题，拆盲盒的好戏，每次惊喜都会动心，因为你。मैं तुम्हारी शर्ट भी धो दूंगी, तुम चिंता मत करो। आपको ये करने की जरूरत नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। ओ, तो उठ गई महारानी, कल रात को क्या किया था? मैं इस लिपस्टिक का कलर जाना पहचाना है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैंने थोड़ी पी ली थी। थोड़ी सी पी ली थी? सच में? जिंग जिंग पता है तुमने क्या किया था? तुमने अपनी माँ को बहुत निराश किया है। तुम्हें पता है तुम नहीं पी सकती। तुम ये सब कैसे कर सकती हो? हाँ, सिर्फ इसलिए कि तुम कुछ मूव्स जानती हो? बाहर बहुत खतरा है, बाहर कई तरह के लोग रहते हैं। ये तो अच्छा हुआ ये गू तुम्हारे साथ था। गू, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होते तो इसे अंदाजा भी नहीं इसके साथ क्या हो जाता। तुम जानती नहीं क्या हो सकता था। मैम, वो मैं इसे ऊपर जाकर खुद ही धो लूंगा। और मुझे इससे अकेले में बात करनी है। ओके, तुम जाओ अब। हाँ, बाय बाय। हाँ, जिंग जिंग। हाँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये तुम्हारा पहली बार और आखिरी बार था, समझी? लड़कियां ऐसे दारू पीकर बाहर नहीं घूम सकती हैं, यही सिद्धांत है, समझे? मुझसे वादा करो ये दोबारा नहीं होगा। ओके, वादा करती हूँ। जाओ। हे भगवान, माँ बाप अपने बच्चों की परवाह करना कभी छोड़ सकते हैं क्या? क्या हुआ? तुम्हें पता भी है कल रात क्या हुआ था? क्या हुआ था? तुम्हें सच में याद नहीं? तो डिनर पार्टी याद है? हाँ, मुझे वो याद है। तुमने मुझे बचा लिया था। मैं सोचूंगी कि वो सब तुमने कहा ही नहीं था। तुम ऐसे बातें करना बंद करोगी? देखो, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। मैंने तुम्हें वहां अपनी फीलिंग्स बता दी। क्या फीलिंग्स? मेरी शर्ट पर ये लिपस्टिक कैसे लगी पता है? मुझे कैसे पता होगा? तुम झूठ मत बोलो, तुम्हें सब कुछ पता है। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि इसका कलर मेरी लिपस्टिक से थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कैसे लगा। ठीक है, तो जरा ये सोचो कि तुम मेरे क्लोजेट में सोते हुए कैसे मिली। हाँ, मैं तुम्हारे क्लोजेट में क्यों सो रही थी? क्या तुम्हें सच में याद नहीं है तुमने मुझे किस किया था? मैं आ...
सू जिंग जिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक सीक्रेट फिगर हूँ। इस ब्लाइंड बॉक्स को किसने खोला? हाँ? कैसा ब्लाइंड बॉक्स? मैं एक ब्लाइंड बॉक्स हूँ। हाँ? तुमने इसे खोला क्या? चलो चलो उठो, अपने कमरे में जाकर सो। चलो तुम्हें मुझे किस करना होगा। तुम, मैं, मेरी तरफ देखो, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? बिल्कुल गुरोंग। तुम चाहती हो मैं तुम्हें किस करूं? क्या हुआ सू जिंग जिंग? चुप हो जाओ सू जिंग जिंग। मैंने सच में किया। दारू पीकर इंसान सच बोलता है, अब मुझे यकीन हो गया है। सुनो जिंग जिंग, कहाँ जा रही हो? हम जल्दी ही लंच करेंगे। अरे मैंने कल रात क्या कर दिया? जिंग जिंग उठ गई, अब तुमको हैंगओवर तो नहीं है? हाँ, तुमने रात में काफी ज्यादा पी ली थी। हाँ, प्लम जूस पी लो तुम्हें थोड़ा शांत करने के लिए। हाँ, आप सबको पता है मैंने पी रखी थी। यहाँ जितने लोग हैं सबको पता है। तुमने रात में सबको उठा दिया। हाँ सही कहा, कोई नहीं सो पाया था। तुम्हारे साथ गु था ना, गु इसे उठा के लेके जा रहा था। बेचारा, लड़कियों को इतनी ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। दोबारा ऐसा मत करना जिंग जिंग, ये तुम्हारी सेहत के लिए खराब है। गु को इसे रोकना चाहिए था। हाँ हाँ आईमी, तुम कहाँ हो जिंग जिंग? घर जाओ, तुम्हारे लिए ब्लाइंड बॉक्सेस ला रही हूँ। कहाँ हो तुम? हाँ, कब ला रही हो? मैं बस पहुँचने वाली हूँ, घर पहुँचो। क्या क्या ब्लाइंड बॉक्सेस? ज्यादा सवाल मत करो, शांति से आओ, मैं तुम्हारे घर पहुँचने वाली हूँ। जिंग जिंग आओ। इस तरफ। ध्यान से, कुछ भी तोड़ना मत, इन टॉयज के छोटे पार्ट होते हैं। हाँ हम समझ गए, वहाँ रख दो इन्हें। ठीक है ठीक है। हाँ? तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे लिए ये करने के लिए। मेरा बिजनेस, चलो, चलो, दम और मेरी लव लाइफ दोनों बहुत अच्छी चल रही हैं। लव यू। रुको। आई मी, शांत हो जा, एक बार सोचो। मैं काफी गरीब हूँ, मैं इतने सारे ब्लाइंड बॉक्सेस कैसे खरीद सकती हूँ? तुम्हें नहीं पता क्या,
खरीदा नहीं, इनमें इन्वेस्ट किया गया है। मिस्टर गु ने अरेंज किया, मेरी शॉप के शेयर खरीदे, ब्लाइंड बॉक्सेस यहाँ भेज दिए। हम कॉपरेशन कर रहे हैं। बस बस बहुत हुआ, रुको रुको। ठीक है। मेरे घर में इतने सारे बॉक्सेस रखने की जगह नहीं है। आईमी, क्या तुम इन्हें रिटर्न कर सकती हो? कर सकती हो ना? आहा। वो नहीं कर पाएगी, एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। कुछ ही समय में अच्छी इनकम हो जाएगी तुम्हारी। लेकिन मैं ये सब कहाँ रखूंगी? हाँ, एक आइडिया है। और वो क्या? वो क्या है? हो गया। आईमी, हाँ? तुम तो कमाल हो। बिल्कुल। बाकी बॉक्सेस मैं अपने वेयर हाउस में रखूंगी। मुझे बता देना जब ये खत्म हो जाए, मैं उसी वक्त और ले आऊंगी। सही है ना? अब मैं चलती हूँ। ओके, तुम दोनों मजे करो, मैं चलती हूँ। बाय। रुक जाओ, मुझे परवाह नहीं तुम इसके लिए क्या सोच रही हो, लेकिन मैंने जो कहा वो सच है। आज से मैं तुम्हें अपना बनाता हूँ, सू जिंग जिंग। बिल्कुल नहीं। क्या ये सीरियस है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये जरूर कोई प्रैंक होगा, ये बस मेरे मजे ले रहा है। या फिर मैं समझ गई, तुम ऐसा इसीलिए कर रहे हो क्योंकि मैं ही एक इंसान हूँ जो तुम्हें छू सकती है। ये कैसा लॉजिक है? नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं, तुम्हारे पास चॉइस नहीं लेकिन मेरे पास है। मैं एक अमीर लड़के को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। मैंने इसलिए तुमसे कन्फेस नहीं किया है। तो किस लिए कन्फेस किया तुमने? इसे कोई फिक्स नहीं कर सकता। मैं किस करने के बाद कैसे मना कर सकती हूँ? मैं मना नहीं कर रही, मैंने पी रखी थी, मैं होश में नहीं थी। तुमने जो कहा उसे भूल जाओ। आप कहाँ जा रही हो? तुमसे दूर, ताकि तुम अपना दिमाग साफ कर सको। मैं, मेरा दिमाग पहले से ही साफ है। मैं मानती हूँ कि बुरा हुआ हैंडन के साथ रिलेशनशिप नहीं बना, लेकिन सच बोलूं, वो शायद तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें भी ऐसा लगता है? हम और किसके बारे में बात कर रहे हैं? कुछ नहीं, मुझे अभी लगा सीनियर के लिए मेरी फीलिंग्स प्यार नहीं है। अब तुम दोनों सच में अजीब हो गए हो, तुम दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हो। मैं वो भी नहीं चाहती, मैं कभी कभी बात करना चाहती हूँ। चिंता मत करो, तुम्हें पता है उसे क्या पसंद है, वो तब तक ठीक रहेगा जब तक तुम ठीक हो। अगर तुम मुझसे पूछो, मैं कहूंगी तुमने अभी लड़के देखे नहीं है, तुम अभी हैंडन और मिस्टर गू से मिली हो। तुम्हें मेरे साथ और घूमना चाहिए ताकि तुम और लोगों से भी मिल सको, हमेशा घर पर मत रहा करो। हे आईमी, तुम यहाँ क्यों आए? असल में आज हम डेट पर जाने वाले थे। मेरा आज तुम्हारा मूड खराब है, अपने बॉयफ्रेंड के लिए फ्रेंड को नहीं छोड़ सकती। मैंने इसे तुम्हारे फेवरेट रिवर्स नेल्स राइस नूडल्स लाने को कहा, और साथ में पॉर्क फीट और बियर। तुमने कहा था ना, कोई परेशानी नहीं है जिसे राइस नूडल्स ना सॉल्व कर सके, अगर एक से काम ना चले दूसरा ले लेना। कुछ भी हो जाए, तुम्हारा सारा दुख चला जाएगा जब कैन खाली हो जाएगा। सारा दुख चला जाएगा। नहीं, मैं और नहीं पी सकती, इससे बस प्रॉब्लम्स होती है। कैसी प्रॉब्लम? कान इधर लाओ। मैंने पी के मिस्टर गो को किस किया और उन्होंने प्यार का इजहार कर दिया। क्या? तुमने मिस्टर गो को किस किया और उन्होंने प्यार का इजहार भी कर दिया? और जोर से नहीं बोल सकती थी? सॉरी, मैं बहुत शॉक हो गई थी, आवाज कंट्रोल नहीं कर पाई।
लेकिन ये सब तुम दोनों के बीच कैसे हुआ, मुझे हैरानी है। जबकि अब ये सीक्रेट नहीं है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। मिस्टर गू जिंगजिंग को अपना बनाना चाहते हैं, मुझे ये बात पता है। तुम्हें ये बात पता थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो मिस्टर गू ने मना किया था। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, वो बस तुम्हारा बॉस है। क्या तुम्हें ये समझ नहीं आया? तुम उससे कैसे छुपा सकते हो? मुझे पता है, लेकिन अगर मैंने बॉस को परेशान किया तो मैं गर्लफ्रेंड के खर्चे कैसे उठाऊंगा? ओके, रुक जाओ तुम लोग। क्या तुमने हाँ बोल दिया? बिल्कुल नहीं। हालांकि मुझे पसंद है एक सिंपल लड़की का एक अमीर फैमिली में शादी करके जाना। जितने शोज मैंने देखे हैं उनके हिसाब से उस सिंपल लड़की को काफी सारी मुश्किलों को पार करना होता है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं तैयार हूँ एक रिच फ्रेंड होने के चांस को गंवाने के लिए। तुम सोचो इसके बारे में। मुझे पता है वो सीरियस नहीं है। ये सच नहीं है, मुझे इस बार उसके लिए बोलना पड़ेगा। उसने तुम्हें पाने के लिए जितना सोच पाया उतना किया, उसने कभी बताया नहीं पर सब किया। वो तुम्हें कैसे ट्रीट करता है और तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे? रैपिंग तो बहुत अच्छी है। सामान तो बहुत अच्छा है, देखो। है। अरे गो आ गया। ये आपके लिए। अरे ये सारे बेसिक होम अप्लायंसेस हैं। थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो। ये मेरी तरफ से आपके लिए, मेरे जाने के बाद भी आप इसे रख सकते हैं। आप सभी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, उसके लिए थैंक्स। अरे गू, मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। शुक्रिया। थैंक यू। तुम्हारा मुंह कुछ अजीब लग रहा है। हाँ, क्या हो गया? वो थोड़ा रफ सा हो गया है। तुम्हें कुछ फ्रूट्स चाहिए? मैं अभी तुम्हें फ्रेश फ्रूट्स ला कर देती हूँ। अरे जिंगजिंग, जाओ फ्रूट्स खोदो। तो जाओ जाओ। मैं? हाँ, जल्दी जाओ, जल्दी आ जाओ, फ्रूट्स खा लो। आ जाओ, बैठ जाओ। बैठो। मैं इनकी असली बेटी हूँ ना। अब तुम्हें याद आया, और भी हैं। फाइट क्लब वाली डेट याद है? वो मीटियर शावर, वो रेस्टोरेंट, और हाँ वो नेकलेस, वो सब तुम्हारे लिए था। मैंने उसे कभी ऐसे नहीं देखा था। ये नेकलेस मेरे लिए नहीं था। मैं कितनी ज्यादा खुश थी, मुझे इसे वापस देना होगा। नहीं 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 नहीं, अरे रुक जाओ। मैंने इसे मिस्टर गू से खरीद लिया था। समझ लो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। समझ लू तो मुझे अपने रिलेशनशिप के बारे में क्यों सोचना चाहिए? रिलेशनशिप तो अलग चीज है। हाँ, मुझे नहीं लगता ये भी सच होगा। उठो। आई मी सुजिंगजिंग घर पे नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए? जिंगजिंग से कहना जब अगले हफ्ते वो मेरे स्टूडियो आए तो फाइल साथ ले आए, और तुम्हें भी। मेरा फोन। मिस्टर गू, मैं आईमी के साथ हूं। सुजिंगजिंग वो यहां नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूं, वो अभी आईमे के शॉप पे हैं। आई एम सॉरी। उसने क्या कहा? उन्होंने कहा वो यहां आ रहे हैं।
मुझे अब जाना होगा, मुझे नहीं पता मैं उसे कैसे फेस करूंगी। जिंगजिंग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो हैंडन से ज्यादा नर्वस रहने लगी है। ये कैसी लड़ाई है, ये सिर्फ कपल्स का मजाक है, इसमें लड़ने की क्या बात है। मैं कुछ सॉरी। तुम मुझसे छुप क्यों रही हो, बताओ क्या बात है। मैं नहीं छुप रही, मैं आईमी से मिलने आई थी। इतना क्या जरूरी था जो तुम नाइट सूट पहन कर यहाँ पर पहुँच गई? अरे तुम नहीं समझोगे। अच्छा तो क्या काम हो गया तुम्हारा? नहीं अभी नहीं। हाँ मैं अभी भी गुस्सा हूँ। तुम्हारी पनिशमेंट के लिए चलो एक गेम खेलते हैं। एक गेम? कैसा गेम? ट्रुथ और डेयर है। मैं शुरू करूंगी। अपना एक सीक्रेट बताओ। मेरा सीक्रेट ये है कि तुम मेरा पहला प्यार हो। अब तुम्हारी बारी। एक किस, एक किस। उन दोनों का झगड़ा हो गया है, मुझे अभी उन्हें वो सच में लड़ रहे थे, वो कपल्स लड़ते हैं ना वैसे। तुम्हें नहीं लगता यहाँ खड़े रहना अजीब है? तो चलो यहाँ से। हाँ। दूसरी तरफ से। तुम्हें ठंड लग रही है क्या? मैं ठीक हूँ। नाइट सूट में ही भाग गई, इससे तुम्हें क्या। जिंग जिंग तुम आ गई? हाँ आ गई। हाँ आ गई। उन्हें देखो वो साथ में अच्छे लगते हैं। बिल्कुल मुझे भी यही लगता है। तुम्हारे सीनियर का कॉल आया था। उसने क्या कहा, तुमने क्या कहा? शांत हो जाओ यार, उसने बस कहा कि तुम उसके स्टूडियो उसकी फाइल्स ले जाओ। तो मुझे अगले हफ्ते छुट्टी चाहिए ताकि फाइल दे सकूं। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। इससे तुम्हारा क्या लेना देना, तुम क्यों चलोगे मैं अकेली जाऊंगी। ऐसे कैसे लेना देना नहीं है, जब से मुझे तुमसे प्यार हुआ तुम्हारी हर चीज से मेरा लेना देना है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे मेरी प्राइवेट स्पेस चाहिए। अरे मजाक कर रहा हूँ, सीनियर ने खुद मुझे आने को कहा है। वो तुम्हें क्यों बुलाएगा? पता नहीं। भाड़ में जाओ। मुझे बस ये कहना है कि तुम हमेशा ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो सीनियर से मिलने से पहले। तुमने तो आज काफी सिंपल कपड़े पहने। मोर ही क्यों अपने पंख दिखाता है? मोरनी के कुछ खास नहीं होते ना इसलिए।
आ, क्या कर रहे हो? मेरे ग्रैंडपा यहाँ पर हैं। ऐसे उन्हें और शक हो जाएगा। चलो 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 जल्दी। शुक्र है यहाँ दो लिफ्ट है, और वैसे भी मुझे पता था मेरा दिन अब तक नहीं आया। तुम्हारे ग्रैंडपा यहाँ क्यों है? मुझे क्या पता, कोई बिजनेस डील होगी। वैसे भी यहाँ पर बहुत सी कंपनीज के ऑफिसेज हैं। क्या किस्मत है कि तुम उनसे यहाँ टकरा गए। चलो। सीनियर। हाँ हाँ जिंग जिंग। मिस्टर गु, मैं यहाँ पर कोई इलीगल काम नहीं कर रहा हूँ, आपके सब करने की जरूरत नहीं है। मैं सूरज से बच रहा हूँ। हाँ आ जाओ अंदर चलें। ओके। सीनियर क्या चल रहा है? स्टूडियो का लीज एक्सपायर होने वाला है, तो मैं नई जगह जा रहा था। जगह थोड़ी फैली हुई है क्योंकि मैं पैकिंग कर रहा था। ओ, सीनियर ये रही आपकी फाइल्स। अच्छा तुम लोग यहीं पर बैठो, मैं कॉफी लेके आता हूँ। ओके। मैं एक मिनट के लिए बाहर जा रही हूँ। सीनियर तुम यहाँ क्यों आ गए? हाफ शुगर हाफ क्रीम। हाँ याद रखने के लिए थैंक यू। हाँ बिल्कुल। सीनियर मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। वो उस दिन डिनर पार्टी में मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें अजीब सिचुएशन में डाल दिया। नहीं नहीं मैंने ही इसे समझा नहीं, मैंने घर जाकर इस बारे में काफी सोचा। मैं शायद आपको उस तरह पसंद नहीं करती, मैं बस डर गई थी। ये दीवार साउंड प्रूफ है क्या? क्या ये सीक्रेट एजेंट है? डर किस बात से? जब हम बड़े होते गए हम एक दूसरे से अलग बनते गए, और हमने एक दूसरे को देखना कम कर दिया। मुझे डर है मैं आपको खो ना दूं और आपके फैंस में से एक बनकर ना रह जाऊं। बेवकूफ कहीं की, ऐसा सोच भी कह सकती हो? तुम इस बात को लेकर इतना परेशान क्यों हो? आप हमेशा से मेरे मॉडल रहे हो, आप बहुत एक्सीलेंट और टैलेंटेड हो। अगर आपका इंटरेस्ट मार्शल आर्ट्स में होता तो आप मेरे से भी ज्यादा अच्छे होते। मैं हमेशा आपके आगे पीछे एक बतख के बच्चे की तरह लगी रहती हूँ। मुझे आपका अप्रूवल चाहिए, हमेशा आपके साथ रहने के लिए। जिंजिंग तुम काफी अच्छी हो, तुम एक अच्छी लड़की हो। नहीं मैं बस अच्छी बनने का दिखावा करती हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, बस एक आम लड़की हूँ। आपको जो कुछ पसंद है, आप जो बुक्स लिखते हो वो मुझे समझ नहीं आती। सीनियर मैं कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। वो फाइल्स गुरोंग ने बनाई थी, मुझे वेस्टर्न लिटरेचर समझ नहीं आता। वो मुझे पहले से पता था। कब से? जब तुमने मुझे पहली फाइल दी थी मैं तभी समझ गया था। इसमें जो लिखा है वो तुम कभी नहीं लिख सकती। उसमें काफी सारे नए आइडियाज भी थे, और सिर्फ गुरोंग ही नकल करने में तुम्हारी मदद कर सकता था।
इसलिए मैंने उसे भी आज यहाँ बोला है ताकि मैं उससे डिस्कस कर सकूं। मगर जिंग जिंग, मुझे माफी मांगनी है। मेरे वापस आने के बाद मैंने नोटिस किया कि तुम्हारा बर्ताव अलग है। मैंने तुम्हें काफी बार सजेस्ट किया था मगर तुम्हें समझ ही नहीं आया। आपने मुझे सजेस्ट किया था? कब किया था और क्या? अरे अब इसे जाने दो। सीनियर, आप सजेस्ट नहीं कर सकते, आपको बताना होगा वरना मैं नहीं समझूंगी। आपको जानना होगा हमारा IQ लेवल अलग है। जिंग, हम एक ही साथ बड़े हुए थे और मेरी कोई बहन नहीं थी मगर तुम वहाँ थी। जिंग, तुम मेरी बहन थी। इससे फर्क नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ पर हूँ, पर मैं परवाह करता हूँ जब बात तुम्हारी होती है। सच में? हाँ कसम से। आप मुझे नहीं भूलोगे आपकी शादी के बाद भी? बिल्कुल नहीं। मैं मजाक कर रही हूँ, मैं इतनी अनोइंग कैसे हो सकती हूँ? आपके लिए आपकी वाइफ पहले है। मुझे खुशी हो रही है तुम्हें ऐसे देख के। मुझे भी, जैसे हो वैसे रहने में बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ देखने आया हूँ कि कॉफी बनी या नहीं। मिस्टर गो, आपने जो ये फाइल बनाई है उससे मुझे काफी मदद मिली है, मगर ये सब जो आपने लिखा है उसका आपके प्रोफेशन से तो लेना देना नहीं है। आपने वाकई में काफी अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, इससे मुझे काफी यूनिक आइडियाज मिलेंगे। मैंने बस वेस्ट कोडा को थोड़ा ढूंढा। वो क्या है? एक इंटरडिसिप्लिनरी वेबसाइट। ओ। और मैंने देखा कि तुमने लेक्स नेस को भी मेंशन किया है। सब कहते हैं कि वो एक क्रांतिकारी राइटर है मगर तुमने तो कुछ और लिखा है। ऊपर ऊपर से वो क्रांतिकारी है लेकिन उनके हर काम साफ तौर पर निराशावादी है। आगे बताते रहिए मिस्टर गो, मैं सुन रहा हूँ। मैंने वेबसाइट पर भी देखा था। चेयरमैन ने कहा है 12th फ्लोर अच्छे से चेक करना है। समझ गए। समझ गए। चलो जो भी है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी नई किताब के लिए, इतने सारे आइडियाज देने के लिए। कोई बात नहीं, हमने बस थोड़ी सी प्रिंटिंग की है, हम चलते हैं। अच्छा जिंग जिंग, किसी दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करो, वो करो जो कि तुम करना चाहती हो। भाई होने के नाते मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा। हाँ मैं ऐसा ही करूंगी। मगर तुम्हारी फैमिली होने के नाते मुझे तुम्हारे फ्यूचर बॉयफ्रेंड को बस थोड़ा सा परखना होगा। हाँ लेकिन क्यों, तुम मुझे क्यों परखना चाहते हो बताओ? तुम्हारी बुक पूरी हो गई और तुम्हारे पास करने का कुछ नहीं है। चलो चुपचाप, ज्यादा मुंह मत चलाओ। बाय सीनियर। हाय, ये मेरा रिज्यूमे है। हाँ मुझे देखने दो। तुमने उसे देखा? वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो अब भी मेरा आभारी नहीं है। बस करो, तुम्हें कैसे पता वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है? चलो। उधर देखते हैं। ओके। वो यहाँ क्यों है, क्या उन्होंने हमें देख लिया? बिल्कुल नहीं, वो मुझे इस ड्रेस में कैसे पहचान सकते हैं भला? अब क्या करें, हम सीढ़ियों से नहीं जा सकते, ये 12th फ्लोर है। 12th फ्लोर ही तो है, और अच्छा है कि हम नीचे जा रहे हैं। ओके। तुम दोनों वहां काउंटर पे क्या बात कर रहे थे? मुझे लगा था तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब मुझे है, बताओ ना। देखो मैं बोल रही हूँ, मुझे घूरना बंद करो, वो मेरी प्राइवेसी है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी।
चाइल्डिश। अब हम एक जैसे हैं, अब तुम बता सकती हो। चलो सीढ़ियों से चलते हैं, तू ऊपर जा, मैं नीचे जाता हूँ, जल्दी। ठीक है। हाँ, हाँ। चलो। मुझे घूर क्यों रहे हो? क्योंकि तुम बिल्कुल उस रात की तरह लग रही हो। क्या? मेरे क्लोजेट की तरह, क्योंकि वहां भी जगह बहुत कम थी और तुम शर्मा रही थी, और ये पिंक लिप्स चमकीली आंखों के साथ, और इसी तरह से हम करीब थे और तुमने। हाँ बस रुको, रुक जाओ, चलो पहले यहां से निकले। वैसे हम जा भी कहां सकते हैं, वो लोग तो हर जगह हैं। बिल्डिंग में वापस चलते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। हाँ मैं शियथा से कहता हूं, मैं पिक करे। ओके। सॉरी द सब्सक्राइबर यू डायल दिस पावर्ड ऑफ। उसका फोन ऑफ क्यों आ रहा है? शायद मुझे उनका सामना अब करना ही होगा। नहीं नहीं, तुम अकेली पड़ जाओगी, रुक जाओ, हम साथ चलेंगे।我是世界上无法靠近的例外，而你却是唯一的意外。爱得无法自拔，想跟你浪迹天涯，相信我这是真心话。在你眼前才是我最真的姿态，什么都不需要去掩盖，总能让人期待有你在的未来，这是我们的童话。牵着你心就回到了家，不管人世间多复杂，你就是我的那个他，这就是我们之间的传说记忆，有着最独特的甜蜜，总是不经意偷偷想起你，关于你的点点滴滴，这就是我们之间的专属记忆，终于明白了坚持的意义，一切慢慢清晰，你是注定出现在我生命里。就是我们之间的专属记忆，有着最独特的甜蜜，总是不经意偷偷想起你，关于你的点点滴滴，这就是我们之间的专属记忆，终于明白了坚持的意义，一切慢慢清晰，你是注定出现在我生命里。
这就是我们之间的专属记忆，有着最独特的甜蜜，一起去憧憬一路上风景，见证彼此点点滴滴。这就是我们之间的专属记忆，终于明白了坚持的意义，已经慢慢清晰消息。